तो यहाँ पे काफ़ी ओपी फाइट हो रही है, लेकिन सिम्बा पूरे फिनिश हो चुके हैं इस स्कॉट के। लेकिन अगर बात करते हैं और स्कॉट की, टीम नंबर 13 की बात करें, टीम नंबर 13 को हम देखें जो कि थोड़ा सा जोन के काफ़ी बाहर है, टीम नंबर 13। वहीं टीम नंबर 7 की बात करें, टीम नंबर 7 यहाँ पर पूरी फाइट लेने की कोशिश कर रहा है। वहीं मजोरियस को नॉक किया एनएसके स्कॉट ने, मेरे ख्याल से फिनिश किया मजोरियस को, नहीं अभी नॉक ही निकाला है, फिनिश नहीं कर पाए, तो इस वजह से शायद वो रिवाइव हो जाएंगे। अभी जोन अभी तक शुरू नहीं हुआ, 29 सेकंड से, तो शायद इतने में एक्सलेट यहाँ पर सर्वाइवल है, लेकिन जोन में मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा। मेरे ख्याल से उनको टीआरएक्स की तरफ से मूव करना चाहिए, क्योंकि एनएस की तरफ से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एनएस इधर से ही कैंप कर रही है। वहीं अकून एम्पायर को नॉक किया फिनिश, बिल्कुल काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे टीआरएक्स के लिए है, जो कि पोजीशन काफ़ी अच्छी होल्ड करके बैठे। टीम नंबर 7 यहाँ पे कुछ कर चुका है एनएस पे, तो यहाँ पे काफ़ी ओपी फाइट देखने को मिल रही है। मैं टीम नंबर 7 के एनएस के 2 इस बंदे बचते हैं, यहाँ पे शायद प्रॉब्लम हो जाएगी एनएस के, वुल्वरीन अकेले बचते हैं, वुल्वरीन शायद बिल्कुल एनएस को फिनिश किया। तो इस मोमेंट में अगर ये टीआरएक्स को एक्सलेट को स्पॉट नहीं कर पाते, एक्सलेट यहाँ पे मूव कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे अपनी रिवाइव देंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पर टीम नंबर 13 के लिए प्रॉब्लम हो रही है, जो कि जोन के बाहर था अभी भी, अब जोन में मूव कर रहा है, तो स्प्रे उनको आ रहा है बिल्कुल टीम नंबर 7 की तरफ से। तो यहाँ पे शायद बिल्कुल जोन से भी उनको काफ़ी डैमेज आ रहा है, टीम नंबर 7 की तरफ से भी स्प्रे आ रहा है, तो यहाँ पे ये लोग फिनिश हो जाएंगे। लेकिन बात करें टीम नंबर 7 की, टीम नंबर 7 यहाँ पे अपनी हील पूरी कर चुका है, तो अकेले बचते हैं, बिल्कुल पूरा स्क्वाड फिनिश हुआ। टीआरएक्स की बात करें, टीआरएक्स यहाँ पे तो 3 स्क्वाड हमारे पास बचते हैं, यहाँ पे एक्सेलेंट यहाँ पे पुश कर रहा है टीम नंबर 7 पे, काफ़ी ओपी फाइट हो रही है, इसको नॉक निकालने की कोशिश करेंगे मजोरियस, मजोरियस का यहाँ पे नेट मेरी ख्याल से चले गया। वहीं अंपायर की बात करें, अंपायर यहाँ पे मजोरियस ने काफ़ी जल्दी पुश कर दिया था, जिस वजह से फिनिश हो चुके हैं। तो अंपायर यहाँ पे 2 ही बंदे बचते हैं, M24 से नॉक निकाल, मजोरियस की थोड़ी सी मिस्टेक मेरे ख्याल से भारी पड़ गई, उनको इतनी जल्दी कुछ नहीं करना चाहिए था। समीर भी यहाँ पे पुश करने के मोड में है मेरे ख्याल से। वहीं टीआरएक्स की बात करें, टीआरएक्स के ड्रैगो थोड़ा सा कैम करके बैठे हैं, उनको शायद स्प्रे देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है स्प्रे देंगे तो फिनिश हो जाएंगे। 3 स्क्वाड बचते हैं हमारे पास, तो टीआरएक्स से अभी फाइट ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं मेरे ख्याल से टीआरएक्स से फाइट लें, पहले टीआरएक्स से फाइट लेना बनता भी उनका, वहीं बात करते बिल्कुल इसी स्क्वाड के पूरे बंदे काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करके बैठे। समीर को नॉक निकालने की कोशिश करें, शॉट दिया कनेक्ट नहीं हुआ, एम्पायर को नॉक किया, तो यहाँ पर टीआरएक्स ऑलमोस्ट एक्सलेट फिनिश हो गई। यहाँ पर समीर अभी भी वहीं लेटे हुए हील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम मिली कि यहाँ पर फिनिश हुआ एक्सलेट का स्क्वाड, शायद यहाँ पे मजोरियस के फिनिश होने से यहाँ पे लीड टूट गई एक्सलेट की। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे टीम नंबर 7 की, टीम नंबर 7 को स्प्रे, ड्रैगो को स्प्रे आ रहा है, ड्रैगो ने नॉक किया एक बंदा, तो टीआरएक्स शायद यहाँ पे विन कर जाए, 2 बंदे नॉक कर चुके हैं, 2 बंदे बचते हैं, तो शायद बिल्कुल ड्रैगो यहाँ पे मूव करें, ड्रैगो का स्प्रे भी वैसे हमने देखे, एक बंदे को और नॉक करने की कोशिश करेंगे, नॉक किया ऑलमोस्ट, काफ़ी डैमेज दे दिया, मे भी नॉक कर सकते थे, अगर नॉक करते तो यहाँ पे टीआरएक्स गारंटी विन कर जाती, लेकिन यहाँ पे अब स्प्रे आ रहा है, एक बंदा उनका रिवाइव हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों बंदे रिवाइव हो जाएंगे, और रिवाइव होते हैं तो यहाँ पे डगबरू के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन जोन में है अभी भी, लेकिन जोन का अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि 4 बंदे सामने हैं। सॉरी, तो बात करते हैं यहाँ पे टीम नंबर 7, यहाँ पे नेट का यूज़ कर रहे हैं, ड्रैगो नेट गया, शायद यहाँ पे नेट से कुछ हो सकता है, मे बी किसी को डैमेज नहीं मिला नेट से, एक बंदे को दोबारा से नॉक किया, ड्रैगो का स्प्रे एक नंबर स्प्रे जा रहा है। अगर बात करें थैनोस की, थैनोस यहाँ पर ड्रैगो की स्प्रे देने की कोशिश करें, थैनोस को यहाँ पे काफ़ी अच्छा ओपी स्प्रे आ रहा है, ड्रैगो की तरफ से एक नंबर स्प्रे आ रहा है, यहाँ पर ड्रैगो के लिए प्रॉब्लम हुई, फिनिश हुए ड्रैगो, एक नंबर फाइट यहाँ पर ड्रैगो ने दिखाई, भाई क्या ही बताएं, और विन करता है भाई, एक नंबर फाइट हुई और यहाँ पर विन करता है बिल्कुल। थैनोस का स्क्वाड, इस स्क्वाड में सब रैंडम है तो हम इसको थैनोस स्क्वाड बोलेंगे, थैनोस का स्क्वाड यहाँ पर विन करता है, एक नंबर फाइट हुई भाई। अगर किल्स